तो गाइज वेलकम करता हूँ आपको आज की कोई नई वीडियो के साथ। और यहाँ पर मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पर स्नैक वीडियो में लाइव गेम खेलना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस फॉर्म में क्या होता है कि आपको वहाँ पर डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन की यहाँ पर अपनी आईडी डालनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि यहाँ पर आप स्नैक वीडियो में लाइव गेम खेल सकें, ठीक है। अब मसला क्या आता है, यहाँ पर जब लोगों ने उस फॉर्म को फिल करना शुरू किया, ठीक है, तो वहाँ पर उनको डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन से उनकी आईडी यहाँ पर नहीं मिल रही थी जहाँ से वो कॉपी करके यहाँ पर उस फॉर्म में डाल सकें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पर डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन पर अपनी आईडी कैसे कॉपी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पर डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आपको डायरेक्ट लेआउट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से आपको लेआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मेन चैनल पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने यहाँ पर सिंपली हाई लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हाई लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं अपने आइकन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपने आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आया तो यहाँ पर मुझे कॉपी आईडी का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बैक आना है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अगर नीचे हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर बिहेवियर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बिहेवियर पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने डेवलपर मोड को ऑन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप डेवलपर मोड को ऑन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपने बैक आना है, उसके बाद यहाँ पर आपने दोबारा मैन चैनल पर आना है, उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली अगर दोबारा हाई लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाई लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपने आईडी पर क्लिक करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे आपको कॉपी आईडी का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप डेवलपर मोड ऑन करेंगे तो तभी यहाँ पर आपको कॉपी आईडी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप इस आईडी को कॉपी करके यहाँ पर जिधर मर्जी पेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सिंपल तरीका है आईडी को कॉपी करने का, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो से, तब ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।